Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 1 जुलाई 2019 मंडे है. सुबह के 8:25 हो रहे हैं. हफ्ते का पहला दिन है और इस महीने का भी पहला दिन है. इस वीक में और बजट पेश होने वाला है. गवर्नमेंट 5 जुलाई को बजट पेश करेगी लोकसभा में, तो फ्राइडे को है ये. तो ओवरऑल वीक में थोड़ी सुस्ती दिखाई दे सकती है, एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है. जब तक आने वाले गवर्नमेंट के प्लान के बारे में जब तक क्लैरिटी नहीं आती, तो तब तक हमें हो सकता है कंसोलिडेशन फेज देखने को मिले. सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 20 जून 2019 आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,873 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,821. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन लेवल इसने ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट 11,804 ये अचीव्ड हुआ. काफी देर तक इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा सेकंड टारगेट भी 11,783 ये अचीव हुआ और ऑलमोस्ट उसी के पास आके ये क्लोज हुआ. तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते. डाउ जोन्स नासडैक फ्राइडे को पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहे थे और हरे निशान में बंद हुए. जो G20 समिट चल रहा है उसमें से कुछ पॉजिटिव खबरें बाहर निकल के आ रही है. यूएस और चाइना के बीच में और यूएस और इंडिया के बीच में अच्छी बातचीत हो रही है, तो पॉजिटिव आउटकम इसमें से देखने को मिल रहा है. और यूरोपियन बाजार भी देखे तो हरे निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज इंडेक्स 370 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है और चाइना मार्केट भी 59 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. हालांकि हांगकांग मार्केट आज क्लोज है, वहां पर छुट्टी है. डाउ फ्यूचर देखे तो अभी 200 पॉइंट की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी भी हल्की सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. जैसे कि महीने का पहला दिन है आज, तो मंथली चार्ट से शुरू करेंगे. मंथली चार्ट भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है. ये है मंथली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. हर एक कैंडल हर एक महीने का हाई लो ओपन और क्लोज प्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर अगर RSI के साथ प्राइस एक्शन को कंपेयर करें, इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन में यहाँ पर हायर हाइज बन रहे हैं. यहाँ पर हायर हाइज बन रहे हैं, ये हाई के ऊपर ये हाई है. लेकिन अगर RSI को देखें तो यहाँ पर अभी भी लोअर हाइज बन रहे हैं, यानी ये डाइवर्जन है, बियरिश डाइवर्जन. मंथली चार्ट लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में हमें देखने को मिल सकता है. अभी ये बजट के ऊपर मोस्टली डिपेंड करता है कि बजट कैसे मार्केट के फेवर में आता है या नहीं. अगर नहीं आता है तो यहाँ से हमें एक फॉल दिखाई दे सकता है टूवर्ड्स 20 EMA तक. 20 EMA में अगर मंथली चार्ट में अगर ब्रेक होता है तो हमें यहाँ से और साउथ की तरफ होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफी बढ़ जाएगी. लेकिन आप देख रहे हैं अभी भी काफी स्ट्रांग यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट बना हुआ है. ये अभी भी अप ट्रेंड है एज पर मंथली चार्ट. अगर इसे हम देखें तो ये काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड है. यहाँ पर करेक्ट होता है तो भी 20 EMA में, अगर 20 EMA ब्रेक करता है तो 50 EMA का सपोर्ट लेके ये यहाँ से बाउंस बैक होता है. तो ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है एज पर मंथली चार्ट. और अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करें आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं. मैं यहाँ फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करता हूँ. इसमें मैं कुछ लेवल्स ऐड कर देता हूँ, 38.2 और 50. तो आप देख सकते हैं ये है मई का कैंडल और ये है जून का कैंडल. एग्जैक्ट 11,933 के पास ये पेनेट्रेट हो रहा है. 12,000 साइकोलॉजिकल लेवल के पास ये पेनेट्रेट हो रहा है.
और इसके नीचे आके क्लोज हो रहा है। इस 50% का ये जो लेवल आ रहा है फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है। मंथली चार्ट में अगर इसके ऊपर क्लोज मिलता है और यहाँ से डिसीजिव मूव देखने को मिलती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 12,388 यानी ऑलमोस्ट 12,400 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अगर 50% के लेवल के ऊपर ये क्लोज होता है। हम ये एक्यूरेट लेवल है ऐसा कह सकते हैं क्योंकि दो महीने यहाँ पर इसने इस लेवल को पेनेट्रेट किया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर क्लोज मिलता था तो यहाँ से चांसेस होते थे कि 12,388 को ये यहाँ पर अचीव कर ले, लेकिन अभी लास्ट मंथ इसने इसके नीचे आके एक बेयरिश कैंडलस्टिक बनाया है। अभी ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बन सकता है अगर यहाँ पर एक ऐसा इस महीने में ये बेयरिश कैंडलस्टिक बने तो, लेकिन प्राइस एक्शन को देखें, प्राइस एक्शन को देखें तो हायर हाई हायर लोस का पैटर्न बना हुआ है जो कि बुलिश साइन है। ये जो हाई और ये जो लो है मे का, इसके ऊपर जून का हाई और लो बना हुआ है, तो हायर हाई कंटिन्यूज अभी भी पैटर्न में देखने को मिल रहा है, तो बुलिश साइन है ये। यहाँ से अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 12,400 के लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये था मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने देखा कि यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन बना था ये यहाँ पर, और इसका ये जो नेक लाइन है, ये जो नेक लाइन है फिर से इसको इसने टेस्ट किया है। तो अभी हो सकता है ये 20 EMA को टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक दिखाए। बहुत बार देखा गया है कि जब भी ऐसा पैटर्न आता है डबल बॉटम, तो ऊपर नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद, नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद ये फिर से नीचे आता है और नेक लाइन को टेस्ट करता है। ये सपोर्ट यहाँ पर एज अ सपोर्ट टेस्ट करता है नेक लाइन का, और एक नहीं दो बार नहीं ये सपोर्ट टेस्ट करके फिर बाउंस बैक दिखाता है। अगर नेक लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से डाउन साइड दिखाई दे सकता है। अगर ये नेक लाइन को एज अ सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाता है तो यहाँ से कंटिन्यूस अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो ये है डेली चार्ट का सिनेरियो। इस समय डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है और नेक लाइन का सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं आज के लिए, क्या लेवल्स होंगी ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स काफी बुलिश आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ पर होता है तो ये जो मूविंग एवरेजेस है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अगर ये कंफर्टेबली यहाँ पर सस्टेन करता है 20 EMA के ऊपर, अभी फिलहाल 20 EMA आ रहा है 11,819 के पास, तो अगर ये यहाँ पर 11,823 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,841, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,865, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ये जो लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस लेवल को काफी समय इसने पेनेट्रेट किया है 2 दिन पहले, तो इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं। और अगर साउथ की तरफ अगर ये मूव होता है तो ये जो लो बना है फ्राइडे का 11,775 के पास, इसे अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये S1 का पिवट पॉइंट का लेवल जो कि अराउंड 11,752 के पास है, तभी ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।